व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं, भाई नहीं इंट्रो किस तरीके से होगा ऐसे, राम राम भाई सारे आने। तो अंकित भाई की वीडियो है और भाई मिले हैं मोदी जी से, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और एक बहुत प्राउड फील होता है कि आज हम जैसे लोगों में से उठ के, एक आम घर से लोग उठ के, और मैं तो कहूंगा भाई बिल्कुल गाँव से उठ के आज इस लेवल पर भाई पहुंचा है। हैट्स ऑफ टू हिम यार, मेहनत रंग लाती है, बिल्कुल सही बात है, और वो आपके सामने आज। तो देखते हैं मोदी जी से मिले तो क्या कुछ बात हुई है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भाई राम राम लिख देना सब लोग, जय श्री राम लिख देना, जय हिंद लिख देना। करते हैं वीडियो शुरू, 1 2 3 गो। राम राम सारायण, ये आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तरह ना, वो है ना 2 अक्टूबर को बोला भी है। आज 2 अक्टूबर ना, फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है, लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज्यादा दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। बता देना 4 घंटे देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, बिल्कुल ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है, और मैंने देखा है कि आपके कारण लोग मोटिवेट हुए भाई, बहुत काफी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे वे भी अब तो आप वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है, वर्कआउट ही हो गया, इतना इफेक्टिव बना है। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया, देख ले कर G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हो गया इस चीज़ पे कि भाई आपने देखा होगा। हाँ जी, ये जो भारत मंडपम बना है जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया है, और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पर ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे अच्छा करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर स्पोर्ट्स थे, पर मतलब देख क्या करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन करया करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करनी है, एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर होता जब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपने पुराण पढ़ डलना कर रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इब शिव पुराण पढ़ डलना कर रहा हूँ। और 4th रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, और 4th बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है, इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है,
परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत आगे बढ़िया। अरे भैया बहुत स्वीट वीडियो, मैं कहूंगा सेल्फी लेना ऐसे। दूसरा भाई पता है क्या, इसने वो बहुत सही बोला कि सोशल मीडिया का ना बहुत सही तरीके से वो करा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और देखो एंटरटेनमेंट हर एक चीज कैटेगरी अलग है, लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम पर जो लाइफस्टाइल हो चुका है बच्चों का, खासकर मैं कहूंगा आज की यंग जनरेशन का, कि पूरे टाइम फोन पे लगे रहना, बैठे रहना। प्लस ये थोड़ा सोचो, मुझे नहीं पता था और मुझे बताया कि इसने, मेरा भतीजा है ऋषभ, ठीक है, अभी 9th या 10th मुझे बता की दीदी ऐसे ऐसे है, तो मैंने बोला अच्छा तू करता है फॉलो, तो उसमें कह रहा नहीं अभी तो नहीं एग्जाम है, पर हाँ थोड़ा बहुत जितना होता है, तो सोचो में क्रेज आ रहा है, बच्चों में क्रेज बहुत है, वो भी इससे, मतलब जब से इसको देखा है और जब से इसने 75 डेज शुरू किया ना, खाली बड़े ही नहीं बहुत बच्चों के अंदर मैंने क्रेज देखा है कि बच्चों को लगन है कि करना है। आज की लाइफस्टाइल में हमें जरूरी है फिटनेस पे ध्यान देना, और हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने जिस तरीके से, मतलब एक इसमें मैं कहूंगा कि ये कोलैब कह लो आप, जिससे एक मोटिवेशन आएगा लोगों में कि देख के, बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो से निकाल सकते हैं, कि जैसे आपको अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन रखना पड़ेगा, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो लुकवाइज ही नहीं है कि वहां से आपने कूड़ा हटा दिया तो वो दिखने में सुंदर जगह, नहीं, आपके लिए डे टू डे आपको पता है कूड़ा पड़ा रहेगा तो गंदगी होगी तो कीड़े मकौड़े होंगे, मच्छर होंगे, बहुत चीजें होती है। एक उस तरीके से भी लाइफस्टाइल में आपके लिए चेंज आएगा, आप निकलोगे बाहर एक पॉजिटिविटी भी आती है, आपके आप घर के बाहर निकलो कूड़ा पड़ा है, क्या पॉजिटिविटी आएगी माइंडसेट में भी। प्लस आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो अंकित भाई से इंस्पायर होके उस तरीके से, और प्लस लाइफ भाई देखो मेरा शेड्यूल बिजी चलता है, लेकिन फिर भी मैं 1 से 1.5 घंटा रोज 7 दिन का बना रहा, कभी कभार 1 दिन का रेस्ट ले लेता हूं, नहीं तो मैं 7 दिन जिम जाता हूं। फिटनेस पे ध्यान देना, कार्डियो, सिर्फ जिम का मतलब से वेट उठाना नहीं होता, कार्डियो एक्टिविटीज भी करना, हर एक तरीके से मोटिवेटेड रखना अपने आपको, और हेल्दी खाना आप खा लो भैया, पिज्जा बर्गर भी खा लो, लेकिन आप एग्जांपल विराट कोहली के बहुत सारे लोग फैन होंगे, विराट कोहली कहता है मैं खा लेता हूं, मेरा भी मन करता है, इंसान ही हूं, छोले भटूरे खा लिए, कुछ खा लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैं वर्कआउट भी करता हूं बहुत बड़े लेवल पे कि उसको मैं बर्न कर सकूं। तो परहेज नहीं है चीजों का, लेकिन ये कि आपको उससे मतलब ज्यादा अपनी बॉडी की रक्षा करनी है। उनका कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़ दो, भूखे मर जाओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लिमिट करो और जितना है वर्कआउट। और देखो भाई काफी टाइम से मैंने भी फिटनेस वीडियो डाली है, मैं दोबारा सब शुरू करूंगा, तो रोज कोशिश करूंगा कि एक जो व्लॉग बनाऊंगा उसके अंदर फिटनेस का हो 4-5 मिनट कंटेंट, जिससे कि आप लोग भी इंस्पायर हो सके, जिसके अंदर जिम रिलेटेड वीडियोस भी होंगे और साथ ही साथ आप जैसे वेट लूज हो गया या फिर किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करें, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आप बताना बाकी। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहो तो कोशिश करूंगा व्लॉग में ये वाला पार्ट आया करे रोज, की डाइट क्या ले रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, किस तरीके से वर्कआउट चल रहा है, बाकी घरेलू व्लॉग तो आएगा। लेकिन भाई सीरियसली प्राउड फील होता है कि जब इंसान ने अगर ठानी है अपनी फील्ड में जो भी अच्छे से कर सकते उसमें सक्सेस हासिल करना, और अंकित ने प्रूव करके दिखाया और लोगों को एक पॉजिटिव तरीके से इंस्पायर किया है, क्योंकि फिटनेस में आज के टाइम पे आधे लोग बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज ध्यान रखना, उसने बोला था कि अगर आज के टाइम में, तो उसने बोला था मैं अगर अपनी अभी तक की सक्सेस का मतलब श्रेय दें तो वो मैं भगवत गीता को, क्योंकि उसने कह रहा शुरू में तो क्या डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में, लेकिन फिर क्या कह रहा फिर मुझे अच्छा लगने लगा, उसने कंप्लीट भी कर दी। यार एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, फिटनेस का मतलब ये नहीं होता सिक्स पैक एब्स होना या फिर बहुत ही अमेजिंग नसें निकल रही है बॉडी बनाना, बहुत चीजें होती है उसके अंदर। और एक और चीज मैं कहता हूँ, उस लाइन में मत चले जाना स्टेरॉइड्स ये सब, क्योंकि कई लोग जोश में जाके जिम चल जाते हैं बॉडी बनानी है। फिटनेस का मतलब कि सिक्स पैक है शाहरुख खान, सलमान खान या फिर ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ की तरह नहीं है, खुद मतलब अपनी मेहनत करना अच्छे से कर। और एक चीज याद रखना, आज अगर कोई यंगस्टर भी देख रहा हो कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में फर्क होता है, कभी भी आप जाते हो तो सप्लीमेंट, कभी भी अगर मान लो लाइफ में प्रोटीन ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट अगर आपको रिकमेंड भी कर रहा है तो ध्यान से पूछना, रिसर्च भी करना कि भैया स्टेरॉइड नहीं सप्लीमेंट, फर्क होता है। सप्लीमेंट क्या कहते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट, प्रोटीन हो गया आपका, बीसीडब्ल्यूज हो गया, बीसीडब्ल्यू भी एक तरीके से ग्लूकोन डी समझ लो आप अपने लिए, ये चीज होता है। स्टेरॉइड्स पे नहीं जाना, स्टेरॉइड्स पे एक बार जाएगा आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और यही चीज है कि जो आज की यंग जनरेशन को समझना है, लोग पहुंच जाते हैं फिर ट्रेनर कह देंगे भैया आपको कि लो स्टेरॉइड ये ले लो, बॉडी बन जाएगी, दिखने में अच्छी लगेगी, अंदर से खोखले हो जाओगे। तो फिटनेस का मतलब भी एक पॉजिटिव तरीके से सही और गलत में जांच परख करके है। तो ये चीज है, मैं भी अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोग को बताता रहूंगा। बाकी मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।